हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बालमिंदर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम चौधरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। कक्षा 11th के अंदर जीव विज्ञान में एनसीईआरटी के तहत आपके 5 यूनिट सिलेबस के अंदर है। कौन कौन सी यूनिट है देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है वो है यूनिट 1, वो है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, इस यूनिट के तहत हम जीवों को कितने जगतों में बांटा गया है और इन जगतों के अंदर किस प्रकार से विविधता पाई जाती है, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरी यूनिट जो है वो है पादपों व प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके अंदर पादपों की आकारिकी, पादपों की शारीरिकी और प्राणियों का संरचनात्मक संगठन जो होता है वो किस प्रकार का बना होता है, इसका अध्ययन हमें इस यूनिट के तहत करेंगे। तीसरी यूनिट देखिए, यूनिट 3, कोशिका की संरचना व कार्य, यानी कि शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका किस प्रकार की होती है और वो किस प्रकार से कार्य करती है, इसका अध्ययन करेंगे कोशिका की संरचना व कार्य के अंदर इकाई 3 के अंदर। अब इकाई 4, पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर पादपों की अंदर कार्य संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि पादपों के अंदर परिवहन किस प्रकार से होता है, पादपों के अंदर श्वसन किस प्रकार से होता है, पादपों के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है और पादप वृद्धि कैसे करते हैं और पादपों में किस प्रकार से वृद्धि के द्वारा परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करेंगे। और अंतिम इकाई जो आपके सिलेबस के अंदर है वो 5, और जो है मानव शरीर विज्ञान, इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर मानव शरीर के अंग तंत्रों का अध्ययन करेंगे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और इस प्रकार से जनन तंत्र, सारे जन अंग तंत्रों का अध्ययन जो है वो हम इस यूनिट के तहत करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से 11th बायोलॉजी के अंदर कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, इसका अध्ययन हम करेंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी जो है इसका सामान्य परिचय क्या है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सर्वप्रथम 1802 के अंदर, कितने 1802 के अंदर लेमार्क व ट्रिविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया। ये शब्द जो है बायोलॉजी वो किसने दिया, लेमार्क व ट्रिविरेनस ने 1802 में क्या दिया, बायोलॉजी शब्द दिया। ये शब्द जो होता है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, दो ग्रीक भाषा के शब्द जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे देखिए बायोस, लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी शब्द। ठीक है ना, बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि किसका अध्ययन, जीवन का अध्ययन।
तो विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी दो शाखाएं होती हैं? देखिए, जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक होती है जंतु विज्ञान और दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी, इन दो शाखाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी जो है उनके अंतर्गत मुख्य रूप से दो शाखाएं आती हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं? एक जंतु विज्ञान और दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान के अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है। अब इनका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले इनका वर्गीकरण किया गया, यानी कि जब किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है तो उसका अध्ययन सरल हो जाता है। किसी जीव का विस्तृत अध्ययन करने के लिए उसका क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। अब इनका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ? पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव से लेकर विकसित जीव तक, सारे जीवों को पांच जगतों में वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार से किया गया है? 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी के अंदर एक स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, उन्होंने सबसे पहले आधुनिक वर्गीकरण दिया जीवों का। सबसे पहले आधुनिक वर्गीकरण दिया किसने? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले जीवों का आधुनिक वर्गीकरण दिया, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और जिन्हें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को दो जगतों में बांट दिया, यानी कि जितने भी जीव हैं उनको दो जगतों के अंदर विभाजित कर दिया। कौन कौन से जगत थे? एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया। अब प्लांटी के अंदर सारे पादप, यानी कि ये पादप जगत हो गया, और एनिमेलिया के अंदर सारे जंतु, यानी कि ये जंतु जगत हो गया। तो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले कि जीवों को दो जगतों में बांट दिया, एक प्लांटी जिसके अंदर सारे पादप आ गए और एनिमेलिया जिसके अंदर सारे जंतु आ गए। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में 1867 में अर्नेस्ट हैकल इन्होंने क्या किया? इन प्लांटी और एनिमेलिया में से कुछ जीव ऐसे थे जिनका शरीर मात्र एक कोशिका का बना हुआ था, उन सारे जीवों को इन दोनों जगतों से अलग किया और एक अलग जगत में रख दिया और उस जगत का नाम रख दिया प्रोटिस्टा। क्या रखा? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीव रख दिए? प्लांटी में से और एनिमेलिया में से, दोनों में से जो एक कोशिकीय जीव थे, जो प्लांटी के अंदर भी थे और एनिमेलिया के अंदर भी थे, तो एक कोशिकीय जीवों को अलग किया और एक अलग जगत बना दिया और जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर कैसे आ गए? सभी एक कोशिकीय जीव किसके अंदर आ गए? प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। ठीक है ना। अब कोशिका जो होती है वो विकास के आधार पर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। कैसी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की होती है? देखिए, कोशिका के सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, तो ये कोशिका झिल्ली हो गई।
क्या हो गई, कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, और इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, लवक, ये सारे कोशिकांग जो होते हैं वो इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके मध्य के अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक। केंद्रक जो होता है उसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे बाहर केंद्रक की दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है ना, तो क्या होती है, दोहरी झिल्ली इस प्रकार की, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, द्रव्य होता है, इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये हो गया केंद्रक द्रव्य। और इसके अंदर होती है केंद्रिका। क्या होती है, केंद्रिका। ये तीन भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, केंद्रक के कहलाते हैं। ये केंद्रक जो है वो कहलाता है सुसंगठित केंद्रक, विकसित केंद्रक। अगर इस प्रकार की कोई कोशिका है वो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। क्या है, जिसके अंदर सुसंगठित केंद्रक है और जिसके जीव द्रव्य में विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब दूसरे प्रकार देखिए, जब ये जो केंद्रक होता है इस केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अगर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो क्या होगा, तो केंद्रक द्रव्य होगा, नहीं होगा, केंद्रक द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य के अंदर मिल जाएगा, यानी कि एक ही हो जाएगा, तो केंद्रक द्रव्य नहीं होगा, तो केंद्रक द्रव्य भी नहीं होगा। और केंद्रिका जो होगी है तो केंद्रिका एक जगह पर नहीं होगी, कहीं पर भी हो सकती है। और इस केंद्रक के अंदर होता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, और ये डीएनए जो होता है वो पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार का केंद्रक जो होता है वो कहलाता है प्राक केंद्रक। क्या कहलाता है, प्राक केंद्रक, या फिर आद्य केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं केंद्रक का सुसंगठित नहीं होना। दूसरी बात, यानी कि इनके कोशिका के जो जीव द्रव्य होता है, यानी कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर विकसित कोशिकांग भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये कोशिकांग भी इन जीव द्रव्य के अंदर नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार की अगर कोशिका होती है इसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। किसे कहते हैं, वह कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसमें विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, वह कोशिका जिसके अंदर सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली युक्त, और विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, तो वो कोशिका क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका वाले जीव जो थे वो किसके अंदर थे, प्रोटिस्टा के अंदर थे। ठीक है, यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोटिक जीव भी थे और यूकैरियोटिक जीव थे, यानी कि सारे एक कोशिकीय जीव। कैसे जीव, एक कोशिकीय जीव, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक भी जीव उसके अंदर आ गए और यूकैरियोटिक जीव भी इसके अंदर आ गए। 1938 के अंदर SF कॉपलैंड उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा जीवों में से, प्रोटिस्टा जगत के जीवों में से प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग कर दिया, यानी कि जितने भी प्रोटिस्टा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे उन जीवों को अलग कर दिया और एक अलग जगत बना दिया, जिसका नाम रखा मोनेरा। क्या रखा,
मोनेरा। अब मोनेरा के अंदर कैसे जीव आ गए, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, यानी किसके अंदर कैसे आ गए, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव सारे किसके अंदर आ गए, ये आ गए मोनेरा के अंदर। अब प्रोटिस्टा के अंदर कैसे जीव रहे, प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों थे पहले, जिसमें से प्रोकैरियोटिक जो है वो मोनेरा के अंदर रख दिए, तो प्रोटिस्टा के अंदर रह गए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव जो है वो किसके अंदर रह गए, वो रह गए प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से कितने जगत हो गए, चार जगत हो गई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब देखिए 1969 के अंदर आर एच वी टेकर ने प्लांटी में से उन पादपों को अलग किया जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन नहीं बनाते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जिनके अंदर परणहरित नहीं होता है, ऐसे जीवों को प्लांटी से अलग करके एक अलग जगत बना दिया और जिसका नाम रखा कवक, फंजाई। ठीक है, किससे अलग हुआ, प्लांटी से। कैसे जीव, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ऐसे जीव जो पहले प्लांटी के अंदर थे उनको अलग करके एक अलग जगत बना दिया, और ऐसे जीवों को अपघटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपघटक। जो पहले किसके अंदर थे, पहले प्लांटी के अंदर थे, और प्लांटी से उन्होंने अलग करके किस में डाल दिया, कवक में डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से कुल कितने जगत बन गए, पांच जगत बन गए। सबसे सूक्ष्म या कम विकसित जो जगत है वो है मोनेरा, जिसके अंदर किस प्रकार के जीव है, जिसके अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। उसके बाद में आता है प्रोटिस्टा, जिसके अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। उसके बाद में आता है कवक, जिसके अंदर बहु कोशिकीय यूकैरियोटिक, लेकिन कैसे है, अपघटक, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, जिनका शरीर संगठन जो होता है वो उत्तक स्तर का ही होता है, उत्तक से आगे नहीं होता। ठीक है ना, अंग जिसमें नहीं होते, उत्तक स्तर का ही होता है, वो सारे किस में डाल दिए, कवक के अंदर डाल दिए। चार नंबर पे आता है प्लांटी, यानी कि जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषी पादप जितने भी हैं वो प्लांटी के अंदर आते हैं, और एनिमेलिया के अंदर सारे जंतु जो हैं वो एनिमेलिया के अंदर आते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों से लेकर विकसित जीवों तक कितने जगत बन गए, पांच जगत बन गए।